ये कंटिन्यू करते हैं। एसी सर्किट से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम कर सकते हो तुम लोग। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि लेट्स से हमारे पास जो है स्टेशन से थर्टी सिक्स हंड्रेड वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और 50 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करता है वो आरएमएस। तो फिर इसको अब सप्लाई करना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमने इसको स्टेप अप कर दिया एंड इट हैज बीन स्टेप्ड अप टू 100,000 वोल्ट्स, 10,000 वोल्ट्स, ठीक है, एंड देन फ्रॉम देयर इट इज टेकन टू वेरेवर and that entire thing as a resistance of 100 ohm. जहां भी जाता होगा घरों घरों में उस सबका टोटल जो है resistance 100 ohm. तो how much of the supplied power is dissipated as heat? I mean to say percentage. What percent of? अरे मैं भी अभी ज्वाइन किया, तुमने जब बोला तब ज्वाइन किया।
Anybody getting an answer to this?
तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. अमुक परसेंटेज में बताना है. प्रांजलि आई थिंक करेक्ट है बट मे बी डेसिमल होना चाहिए आई थिंक. नहीं ठीक है आई थिंक करेक्ट ही होता है. आमो करेक्ट है. आमो योर आंसर इज करेक्ट.
एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ तब तक. There is a circular region of area 2.5 in whatever units, and inside of it is a magnetic field that is time varying, 2t. And the field is confined only in the circular region. There is no field outside of it. And then we have a resistive circuit of 1, 2, 2 resistors in the shape of a triangle. And then I have attached a voltmeter to the vertices A and B to find the reading on the voltmeter. वरुण पिछला प्रॉब्लम ये है कि हम सप्लाई कर रहे हैं पुट देम साइड बाय साइड. वी आर सप्लाइंग द स्टेशन प्रोड्यूसेस पावर. दिस इज द स्टेशन. द जनरेटर और व्हाटएवर प्रोड्यूसेस पावर एट 3600 वोल्ट्स एंड ऑफ 50 एम्पीयर करंट. देन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन दैट इज स्टेप्ड अप टू 10,000 वोल्ट्स इन अ ट्रांसफार्मर. And then it is supplied to wherever it has to go. And the supply circuit has a total resistance of 100 ohms. So as the current goes to various places, the resistance of that entire circuit is 100 ohms. You have to find how much of the supplied power is dissipated as heat, lost as heat. Thank you.
अमो करेक्ट है तनिसी गलत है। ये इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट में सब सेम है, अंदर का स्टोरी भी सेम है, जस्ट दैट द वोल्टमीटर इज मूव टू दिस साइड बट कनेक्टिंग द सेम टू पॉइंट्स। ये वाला मैं कर देता हूँ, और द ट्रांसफॉर्मर अब वो करेक्ट है, साइन उल्टा हो जाएगा बस। और दिस ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज ट्रू इज दैट I1V1 इक्वल्स टू I2V2। So 50 into 3600 is I2 into 10,000. That gives me an I2 of, this is 180 and then there are three zeros by 10,000. So that's a current of 18. जनरली स्पीकिंग तो एक्चुअली और स्टेप अप किया होगा, मैंने तो 10,000 वोल्ट ले लिया है। जनरली द स्टेप अप व्हेन इट इज बीइंग सप्लाइड ओवर हाई टेंशन वायर्स इज यूजुअली मोर देन दैट, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स हो जाता है, ताकि ये करंट और कम हो जाए। वी वांट दिस करंट टू बी रिलीज मोर बिकॉज दिस इज द करंट दैट क्रिएट्स डिसिपेशन, द हीट लॉस। तो अब हीट लॉस निकालने के लिए तुम क्या करोगे, आई स्क्वायर आर करोगे, राइट? मैं यहाँ कर देता हूँ उसको, हीट लॉस इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R, यानी 18 स्क्वायर इनटू 100, यानी 32400।
दैट इज द लॉस. सो देयरफॉर परसेंटेज लॉस कितना हो गया, एक्चुअल लॉस बाय व्हाट वाज सप्लाइड, व्हाट वाज सप्लाइड वाज दिस और दिस व्हिच इज 180 and another 1000, right? Into 100. So that's probably 18%, right? Do zero, char zero, char zero, ta to 18, yeah. Which is actually a lot of loss, which is usually not the case. Obviously, maine 10,000 le liya, to 18% ka loss nahi hota hai, actual mein. Usually, they are able to step it up to even bigger voltages, like something like 100,000. So that reduces the current to even smaller, like more than, less than an ampere. So the losses are usually less than that. Something around 1% or less. That's the whole point of stepping up. And then later when you have to supply it to houses, you again step it down at the destination. But over long distances, since the resistances add up, okay, this is small value, but if it's going like 50-100 kilometers, the whole wire is a resistance, and the longer it goes, the more resistance there is. So you want the smallest possible to current to go long distance. That's why you step it up after producing it at a small voltage and a large current. You step it up to a very large voltage and a very small current, which then travels through the long resistance, dissipating some heat but not a lot. So you save your losses, and then at the destination you step it down again to make it into a reasonable voltage which appliances and people can use. Sir, just 1 minute, can you show that page? Thank you, sir. प्रांजलि गलत है, नचिकेत गलत है.
Frankly, I think you have a conceptual issue here from the values that you're telling me. I think you are probably thinking that you have to go via a loop which encloses the magnetic field every time. Is that it? देख फैराडेज लॉ जो है व्हेन इट सेज ई डॉट डीएल का इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ इज नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इससे पहले तो एक चीज ये है कि दोनों का आंसर अलग अलग है मतलब द आंसर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वेयर द वोल्ट मीटर इज केप्ट Right, and that is first of all a strange thing because we would think that voltmeter to kahin bhi rakha usse kya hai wo do points ke beech ka potential difference nap raha hai to uska unique value aana chahiye dusra jo isme conceptual issue hai wo ye hota hai ki like of course you can do d phi by dt find the emf that drives the current in the circuit I am of course assuming that voltmeters are perfectly ideal in the sense that they have infinite resistance so any current is only in the wires there is no current going in the voltmeter but I have to sort of tread a fine line here the voltmeter actual an actual voltmeter will not function if it draws zero current from the circuit the reason it works is because it takes some current and it shows you a reading that is proportional to the current that goes in the meter so its functioning depends on it being able to take some current but as a concept we idealize we say okay it has infinite resistance right so the other conceptual issue is since your electric field is non conservative the induced field due to the change of the magnetic field the electrical field that you induce whether this way or this way is a non conservative electric field meaning to say if you go with it in one direction it is always pushing you forwards right that's the problem now conservative fields are nice because they have well defined meaning to potential difference between two points if you go from here to here there is some work done by the field even if you take a longer path then you have to come back and the field does positive work and some negative work so it ends up doing the same work in every path no matter what shape so there is a well defined meaning to what is the potential difference independent of path in a non conservative field since the induced electric field is a non conservative field it always points in one sense so as you go with the field it is always doing positive work on you which leads to this situation where the first of all the concept of the potential difference between A and B is not well defined which is why one cannot really ask the question as what is the potential difference between A and B that has no meaning one can still ask what is the reading on the voltmeter which is a different thing we are usually used to equating the two and saying the reading on the voltmeter is the potential difference between the two points where it is attached but that's not true here the reading on the voltmeter is a well defined thing and it can be found the potential difference between these two points is not a well defined thing for example if you have let's say of course in this case मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ इन इफेक्ट इस प्रॉब्लम को
कि जब तुम पहले, अच्छा एक चीज और भी इसमें क्रूशियल है इस टाइप के सिचुएशन में, इज दैट द फील्ड मस्ट बी कंटेन्ड विद इन दिस रीजन. तो मैंने आई हैव मेड श्योर टू शो इट एक्सप्लिसिटली दैट द फील्ड इज लिमिटेड टू दैट रीजन, राइट. द फील्ड इज नॉट लिमिटेड, द फील्ड इज नॉट, वैसे तो आई कुड हैव सेड देयर इज अ फील्ड एवरीवेयर, दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट. मतलब ये एक अलग प्रॉब्लम होगा कि मैं यही लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं जो हर जगह है, तो द होल थिंग इज इमर्स्ड इन दैट, विच इज नॉट एन इशू इन इटसेल्फ, बिकॉज इफ यू आर देन फाइंडिंग कि इसमें कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो द रेलिवेंट एरिया इज द एरिया ऑफ द लूप, राइट. तो तुम बोलोगे ठीक है बी चेंज हो रहा होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और इन वॉट एवर वे, I will multiply the triangular area because I'm trying to find the EMF in the triangle. I will take the area of the triangle and multiply it to the changing B, and therefore I'll get the changing flux, and that will be the EMF. And by knowing the resistance, I will be able to find the current. As far as finding current is concerned, there is no issue whether the field extends all the way or whether it is only confined in this region. In this region also, to find the current in the circuit, you will do minus d phi by dt. Phi will be B into area, but of course the area will be this much area only because that is where the flux is. And that you can find out easily, and you can find the EMF, and you can find the current also. So finding current is no issue in either problem, whether the field is confined in this region or whether. The important thing is actually just that it shouldn't be the case, because ab agar main voltmeter lagata hu, ye abhi main ek separate baat bol raha hu, just to clarify the whole thing. Agar main voltmeter lagane jata hu aur field pure region mein hai, तो ये तो अभी जाने दो कि वोल्टमीटर इस तरफ लगाए या उस तरफ लगाए, एक ही तरफ लगा के भी वो कैसा लगाया है वो मैटर करेगा. मतलब वो वायर्स किस तरीके से बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर फील्ड पूरे रीजन में है ठीक है, तो जब तुम उसको वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो द वे यू मस्ट हैव चोजन टू अटैच द वायर्स टू द एंड्स will make a difference, because now the relevant loop to consider is the one with the voltmeter in it. Voltmeter wala loop kyun lena hai humko, jab mujhe A aur B ka potential, jab mujhe A aur B ke beech mein iska reading find karna hai, to I have to include the voltmeter in the loop. Why? Because I'm going to write KVL. Now of course I can write KVL with the voltmeter in the loop taking this branch, or I can write KVL with the voltmeter in the loop taking that branch. That is entirely up to me. That is not an issue. But the voltmeter has to be in the KVL, because tabhi to voltmeter ka delta V us KVL mein aayega. Jab main jaunga bolunga plus delta V, fir yahan se bolunga minus IR, whatever. So to have this show up, I will have to take the path in which the voltmeter is. But once I take that path, and since the B is everywhere, now the flux changing through my loop of choice will depend on how these wires are arranged, because the shape of this region will be playing a role. I will need this area also. And if I choose to put the same voltmeter in a slightly different configuration, I might end up getting a totally different loop with a totally different flux through it. Or I could pick the voltmeter up out of the plane. The leads are like this and the voltmeter is above. In that case, no flux goes through this, which is also one possibility, which is as good as this. तो इस केस में जो है, क्योंकि फ्लक्स वहां पे कन्फाइंड है, मैग्नेटिक फ्लक्स वहां कन्फाइंड है, तो मैंने वोल्टमीटर किस तरीके से अरेंज किया है यहां पर वो रेलिवेंट नहीं होगा. दैट विल नॉट चेंज द आंसर. एज लॉन्ग एज द वोल्टमीटर इज ऑन दिस साइड, द आंसर विल बी द सेम वेदर इट इज अटैच्ड दिस, आई मीन द वे ऑफ अटैचिंग द लीड्स टू द ए बी टर्मिनल्स विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू द आंसर. यू कैन मूव इट एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स अटैच्ड, एंड एज लॉन्ग एज द वोल्टमीटर इज ऑन दिस साइड. Moving it to that side changes the answer, as we'll see. This will have a different answer than this, but I'm still talking of only this case. You can move this voltmeter here. I mean, you can change the shape of this green loop into whatever you want. That will not change the reading. But over here, that will change the reading, because changing that loop will change the total flux in the loop that you have to consider to write KVL. In which the voltmeter area is same, to Area is same, agar obviously, but that's a very special scenario. Point is, generally speaking, nobody can ensure that the area is same. So this of course cannot be answered unless somebody tells you what is the area of these
this voltmeter with the leads also, you cannot really have an answer. So that's why I've chosen to have that not as a problem. So we don't care how the leads are actually attached. The voltmeter is on this side. But however, moving it to the other side will change the reading. Of course, even when it is here, moving it while being connected like this will not change the reading. That reading will not change independent of how the shape of the wires looks like. Because again, the field is confined in this region. The flux doesn't change. Now, what you have to do is you have to understand that while the potential, so now let's say you have found the current here. Current to find kari lenge hum, koi badi baat nahi hai. Jo EMF generate hogi is loop mein, wo minus time derivative of the magnetic flux hogi. Magnetic flux hai B into loop ka area. Loop ka area to constant hai. Or d phi by dt mein se keval B andar bachega, to db by dt jo hai keval 2 bachega. To mere paas aage answer 5. Minus sign maine hata diye. क्योंकि वो डायरेक्शन बताते हैं जो मैं खुद ही देख लूंगा कि क्योंकि हम बी को बढ़ा रहे हैं अंदर तो उसको कम करना है तो ऐसा आना चाहिए. यानी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सेंस मेरे को पता चल गया. ठीक है, ईएमएफ जो आ रही है वो ऐसे आ रही है. सो ये इस लूप में करंट चलाएगा इस सेंस में. यस सर, करंट चल गया. वोल्ट मीटर अगेन अज्यूम कर रहे हैं आइडियल है तो कोई करंट उसमें नहीं जा रही, उसकी इनफिनिट रेजिस्टेंस है. ये करंट चल रही है लूप में. करंट निकालना भी ट्रिवियल है क्योंकि टोटल ईएमएफ पता है लूप की जो उसमें इंड्यूस हुई है 5 और उसका पूरा रेजिस्टेंस पता है 2 और 1 और 1 5. तो देयरफॉर द करंट इज सिंपली द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय द रेजिस्टेंस व्हिच इज आल्सो 1 एंपियर. तो 1 एंपियर करंट आ गया. यहां तक तो ठीक है. अब इसके बाद जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियलाइज व्हाई द idea of potential difference between two points is meaningless when you're talking of an induced electric field. Since the induced electric field is a non-conservative field, there is no meaning to the phrase. If you forget the voltmeter, if you talk about A and B and you want to say, okay, just a regular circuit with a 1 ampere current in it, what is the potential difference between A and B? You might say, okay, it is simply, I will apply a KVL on this branch. VA minus IR equals to VB. So VA minus VB equals to IR. I is 1, R is 1, so 1. However, you could have chosen to go via that path and said, I'm going to start with here VA plus 2 into 1 plus 2 into 1 equals to VB. So VA minus VB would come out to be 4. So if you go via that path, you end up with VA minus VB as 4. If you go via this path, you end up as VA minus VB as 1. Right? And of course, of opposite signs also. If you go via that path, you get minus 4. You keep VA plus 2 equals to VB. So VA minus VB is minus 4. If you go via that path, it is plus 1. VA minus 1 equals to VB. Okay. So obviously, there is no meaning to this. You can't possibly have which is the correct answer. Neither of them is the correct answer. This concept has no meaning here. Right? Generally speaking, in a regular circuit, this kind of a thing does not arise, because if there is no induced electrical field, the thing that is driving the current is the field created by some battery, which is somewhere on some branch. And that's a conservative electric field. It's an electrostatic field. And so if the battery is there, then you know that going around that field in a closed path will get you 0. So eventually that means that if you go via this path, you'll get 1. If you go via that path, अगर एक बैटरी एक 5 ओम के लूप में एक 1 एम्पियर का करंट चला रहा होता इस सेंस में, तो प्रोबेबली यहां पे लगा होता 5 का बैटरी इस तरीके से पॉइंटिंग, तभी वो ड्राइव कर रहा होता. या कहीं भी लगा दो, मैंने इधर लगा दिया, तो तुम देखते सेम आंसर आ जाता. ऐसे जाते तो 1 आया, और ऐसे जाते तो +2 +2, लेकिन फिर -5 टिल यू गेट हियर एंड यू वुड अगेन गेट द आंसर 1. That's a conservative electrostatic field because it's produced by your regular battery. This is a non-conservative electric field produced by a changing magnetic field, and therefore there is no way you can answer the question, what is the potential difference between A and B? But the question of what the voltmeter reads is different here in this context. Generally speaking, they are the same question. When you have an electrostatic field, what is the potential difference between A and B, and what does the voltmeter read when you put it there, are one and the same question. They have the same answer. In this context, what is the potential difference between A and B is a meaningless question, has no answer. What is the reading on the voltmeter is a well-defined question, which we can answer. How do you do it? Faraday's law lagana hai. Basically, KVL lagana hai, but in the form of Faraday's law, right?
So what we have to do is, you have to think of some loop in which the voltmeter is there, because the jump over the voltmeter is the reading of the voltmeter. मान लो कि वोल्टमीटर में जो रीडिंग है, मैं इसी प्रॉब्लम को करता हूँ कि मान लो इधर जो है ये वोल्टमीटर का प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है. तो मान लो वोल्टमीटर के अक्रॉस जो डेल्टा भी आ रहा है वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि एक्चुअली वोल्टमीटर में कुछ छोटा करंट चल रहा होगा और वोल्टमीटर का कुछ बड़ा सा रेजिस्टेंस होगा. तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, आई वोल्टमीटर आर वोल्टमीटर, वही चीज़ वो रीड करता है. प्रॉब्ली तुम लोगों ने पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बना रहे हैं, तो वो करंट के हिसाब से स्केल करके डिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है. So it is reading its own internal state, its own internal potential difference, which is what this is. So if I do a KVL on some loop on which this shows up, I will be able to solve for this value. Now, I have two options. Either one option is to go this way and come back this way, excluding the magnetic field, so that that's outside my loop. Or I have the option of going this way and taking the longer path, which includes the magnetic field and coming back. Both of them give the same answer. They cannot possibly give different answers, right? Different answers can be gotten from different physical setups. This is a different physical setup than this. So it probably has a different answer. In fact, it does have a different answer. But the same physical setup, just in your mind, you saying, no, I will think of this loop and I'm solving, instead of this loop and I'm solving, cannot possibly produce two different answers. Then either something is wrong with mathematics or with physics, right? Ye to, with one given setup, what is the reading here could not possibly depend on what you're thinking. Ki nahi, main to ye loop socha, mera friend wo loop socha, to usko voltmeter mein kuch aur dikh raha hai, mere ko kuch aur dikh raha hai. That cannot possibly be right. So regardless of whether I go this way, or whether I go that way, I should get the same answer. The difference in applying those two is that in this loop, I will not have to take the d phi by dt term because that's outside. There is no flux through this loop. So there is no additional minus d phi by dt. It's like your regular KVL. With this loop, not only will I have to say plus delta V, whatever, minus IR, plus IR, and also d phi by dt. So what I'm trying to explain here is, this is actually a bit of a subtle concept and tricky also a little bit. The main law is that integral of the electric field around a closed path is actually negative time derivative of the magnetic flux. Ye to main law hai. Theek hai? Isse KVL kaise banate the? Isse KVL aise banate the कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता था और कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता था तो ये कहानी जीरो होती थी. या कुछ ऐसे लूप पे तुम चल रहे हो जिसमें ये जीरो है तो भी ये कहानी जीरो होती है. तो E डॉट DL जो है पूरे लूप के अराउंड जो है वो जीरो होता है. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है. और ये कैसे बनाए छोटे छोटे E डॉट DL से जो कॉम्पोनेंट्स पे हो रहे हैं कि भाई एक रेजिस्टर में से तुम गए तो उसमें कुछ E डॉट DL हुआ, फिर कैपेसिटर में गए तो उसमें कुछ E डॉट DL हुआ, कैपेसिटर में भी तुमने प्लेट टू प्लेट मूव किया होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू गए हो, रेजिस्टर में भी करंट चल रही है तो करंट जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. दैट इज व्हाट ओम्स लॉ इज, जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू गए होगे. इंडक्टर में जो है सेम. तो अब जब तुम वो छोटे छोटे ई का इंटीग्रल करते हुए जाओगे रस्ते पे तो वो एक्चुअली उन कॉम्पोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं. एक रेजिस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर उसके थ्रू इंटीग्रल किया जाए तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, जो तुम आईआर लिखते हो. सिमिलरली कैपेसिटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल किया जाए, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ यू इंटीग्रेटेड फ्रॉम प्लेट टू प्लेट यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. सिमिलरली व्हेन यू गो ओवर द इंडक्टर एंड यू इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड यू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस. सो इवेंचुअली दिस थिंग which is basically you could say the line in, if there are let's say three components in that loop or whatever two to four components in that loop, then this whole thing, kyunki jaise maan lo tum yahan chal rahe ho, is pe chal rahe ho bade wale pe, to is pure raste pe electric field kahan kahan par hai? Jo hamare seedhe wires hote hain na, straight lines, unko humne perfect conductor bola hota hai. Right? Are you following? These straight lines are perfect conductors. If it's a perfect conductor, then it needs no electric field inside of it for current to run. Agar tum J equals to sigma E se bologe, to kyunki perfect conductor ki conductivity infinite hai, so there is no need for an electrical field.
So there is no electrical field in the straight segment, no electrical field in the straight segment, no electrical field in the straight segment. The only electrical field is in the resistance and in the, this is also a resistance. Or if there was a capacitor, there would be electric field in the capacitor. So wherever there is a component, there is some electric field. So since you are going around this loop, integrating the electric field, that really means just an integral over this, integral over this, integral over this. The rest is irrelevant. Straight segments. So what you're saying is that the integral of this electric field over this region plus this region is zero. In the absence of magnetic field, I'm saying, or in the absence of changing magnetic field. And those EK integrals are what are called potential difference. So then that becomes potential difference across this plus potential difference across this plus potential difference across this equals to zero if this is zero. You follow? This itself is the whole of KVL. This is effectively the delta V1 plus delta V2 plus delta V3 equals to this. So when you don't have this quantity, this is zero, and this law is called KVL. The summation of all the algebraic sum of all the potential difference is zero. But if your loop also has a changing magnetic field in it, then that term will also show up on the right. Not only will these terms be there, which are whatever they are, if there is a resistor, there is IR, IR, if capacitor Q by C, if inductor L by L, di by dt, but also if there is a changing magnetic field through the loop, that additional term has to be there. And that is why when you take this reading, whether you take it via this path or whether you take it via that path, you have to get the same answer. So let me apply it on the lower path first. काफी बेसिक है नीचे वाले पाथ पे. I will jump from here to here. I'm applying KVL only. But if there is a changing magnetic field in the loop that I'm considering, then the KVL on the right will not read zero. It will read minus d phi by dt. That's the new thing I'm telling you, right? So इस केस में तो मेरा लूप इतना है. इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई टाइम वेरिंग कुछ नहीं है. तो सिंपली प्लस डेल्टा वी माइनस आई आर एंड आई एम बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. सो देयरफॉर डेल्टा वी इज आई आर विच इज वन. ऑन द अदर हैंड, इफ आई गो वाया दिस पाथ, द लॉन्गर पाथ, I will have to say plus delta V minus, sorry, this is a plus. I'm going against the current, plus IR, plus two, and I'm back to where I started from. But that's not equal to zero because this loop, bigger loop, contains a changing magnetic flux. So it is equal to that value, which in this case was this. Are you following? Akif, the only new thing I'm saying is that when you write KVL in a loop, you go over all the elements, writing this plus IR, minus IR, whatever, and you equate it to zero. You have been so far in equating it to zero in general because of the fact that usually those circuits do not have a varying magnetic field in the middle. Right? Or even if you, or the other way you have been applying this version is what you call EMF, right? Induced EMF. उसमें क्या होता है, तुम कहते हो कि हाँ ठीक है, changing magnetic field तो है बीच के region में, मान लो जिसकी value d phi by dt की value जो है वो 5 ही है, और मैंने जो है इस region में एक वो रखा है अपना, कुछ wire रखा है जिसकी resistance R है. इसमें कोई battery तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल resistance है. इसमें ही तो induce हो जाता है फिर, और current आ जाती है. तो अब इस पे जब तुम KVL लगाते हो, तो मान लो तुम यहां से स्टार्ट करो, मान लो इसमें I करंट आ रही है, तो तुम यहां से स्टार्ट करो और वापस आओ, तो जब तुम KVL लगाओगे तो बोलोगे प्लस IR, बट वापस वहीं आ गए तो जीरो नहीं बोलोगे, क्योंकि इसके अंदर ये है, तो इसको तुम इक्वेट करोगे माइनस डी फाइव आई डी टी से, विच इज वॉट इज कॉल्ड EMF, एंड दैट्स वाई यू आर एबल टू फाइंड द करंट बाई द इंड्यूस्ड EMF एज इफ इट्स अ बैटरी. यू आर स्टिल डूइंग दिस, right? The new thing here is the combination of the two effects, that there is a changing magnetic field also, plus you have other, I mean, you have to do the regular KVL also on the path, IR, IR, IR. So now if you take this path, the longer path, the KVL will read plus delta V, plus two equals to not zero, equals to minus d phi by dt. माइनस और प्लस वो तो देखना पड़ेगा, तुम्हारे सेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा. वो माइनस और प्लस इसलिए क्योंकि इस लूप में अगर तुमने फ्लक्स लिखने के लिए एक सेंस लिया होगा, तो वो इसके साथ बैठना चाहिए.
यही लूप है ना तुम्हारा जिस सेंस में तुम जा रहे हो. तो अगर तुम्हारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आ रही है, लेकिन हम मैं ऐसे गया इस लूप में, तो मेरे को इसको प्लस लेना पड़ेगा. सो आई विल से प्लस डेल्टा वी प्लस फोर प्लस सॉरी क्या बोल रहा हूँ प्लस टू इक्वल्स टू फाइव. डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? फाइव वैसे तो माइनस फाइव होता, टेक्निकली माइनस डी फाइव बाई डी टी होता, लेकिन क्योंकि मेरा लूप का प्रोग्रेशन, मेरा चलने का प्रोग्रेशन लूप में क्लॉकवाइज है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए ऑन द राइट दिस हैज टू बी अ प्लस साइन. वैसे लॉ में माइनस है उधर, तो जब मैं बड़े लूप से लगाता हूँ तो भी मेरा वन आ जाता है, विच इज एज इट शुड बी. ऑफकोर्स इट शुडंट मैटर विच लूप आई टेक, बट द थिंग टू नो हेयर इज that if you are going to apply KVL on loop which has an induced, which has a changing magnetic field inside of it, then KVL does not read blah 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 equals to zero. KVL reads blah 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 equals to minus d phi by dt or plus, depending on how you went relative to the induced field, right? That is the thing, that's the general way of KVL. अब ऑब्वियसली इससे पहले जब तुम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे होते थे या व्हाटएवर पढ़ रहे होते थे या कैपेसिटिव सर्किट्स पढ़ रहे होते थे या इंडक्टिव, इवन इंडक्टिव सर्किट्स पढ़ रहे होते थे, तो इंडक्टर खुद सर्किट में लगी होती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर होती थी, इधर बीच में से होता वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता था, तो इसीलिए पूरे सर्किट के अंदर का माइनस डी फाइव बाई डी टी जीरो होता था. तो केवीएल तुम्हारा वो फेमिलियर फॉर्म ऑफ केवीएल था, ब्ला प्लस ब्ला प्लस ब्ला इक्वल्स टू जीरो, जो कि इधर नीचे वाले लूप में अभी भी ट्रू है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो. इधर नहीं है, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट दैट इट इज द राइट हैंड साइड ऑफ केवीएल. फैराडेज लॉ इज व्हाट क्रिएट्स केवीएल इन अ सेंस, एंड सो द राइट हैंड साइड यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ. इफ द लूप ऑन व्हिच यू आर अप्लाइंग केवीएल कंटेन्स विद इन इट अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन द राइट हैंड साइड विल नॉट बी जीरो, इट इज माइनस डी फाइव बाई डी. दैट्स ऑल. हाँ करेक्ट आके, वही मैं कह रहा हूँ ना, इफ यू टेक दिस लूप देन यू डोंट नीड टू इंक्लूड द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज देर इज नो फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ दिस लूप. Then also you get one. So of course you should prefer taking the loop which has no magnetic field in general, right? अब ये वाला तो तुम लोग कर ही लोगे, I suppose कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? इसमें बस ये है कि directionality change हो जाएगी, current वैसे ही रहेगा, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे. अब इसमें फर्क क्या हो गया? Reading क्यों change हो गई? Reading इसलिए change हो गई है क्योंकि ऑल दो वोल्ट मीटर लगा तो वैसे ही है, लेकिन अब जब तुम वन वाले को अपने लूप में लेने की कोशिश करते हो तो बी अंदर आ जाता है उस लूप के. जब इधर वन वाले के साथ तुमने वोल्ट मीटर सेट किया था लूप में तो बी बाहर था, तो वन के साथ जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी, और अगर टू टू के साथ ले रहे थे तो फिर बी अंदर आ रहा था जो उनको एडजस्ट करके वन बना दे रहा था. विद द वोल्ट मीटर ऑन दैट साइड विद गोइंग विद वन नाउ इंक्लूड्स द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाइल गोइंग विद द टूज एक्सक्लूड्स द मैग्नेटिक फील्ड. If you take the voltmeter and go with the twos, the magnetic field doesn't show up. So now you're, of course, have a different reading on this than in this. But of course, in this itself, whether you go via the 2-2 loop and voltmeter or one loop and voltmeter, you should get the same value. ठीक है, इसका आंसर जो है minus 4 है, तुम लोग देख लो. So not only has the magnitude of the reading changed, the sign also has changed. इधर रहेगा voltmeter तो ऐसा deflect कर रहा होगा, उधर जाके voltmeter ऐसे deflect करेगा. Like इधर बैठा था तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, उधर तुमने सिंपली इसको उठा के उधर रख दिया, वायर्स कनेक्टेड रहे, यू जस्ट पिक्ड इट अप एंड पुट इट ऑन दैट साइड, एंड इन दैट प्रोसेस द वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन जस्ट वेंट टू दिस साइड एंड टू माइनस फोर. ठीक है, ऑल राइट, क्लियर हो गया सबको? एक क्वेश्चन, कोई इश्यूज तो नहीं है? ठीक है, ऑल राइट, आज के लिए इतना ही करते हैं. एक क्वेश्चन और मैं देता हूं तुम लोगों को, जस्ट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, अभी मैं देने वाला था बट आई थिंक क्वाइट डन फॉर टुडे. एनी केस यू कैन ट्राई दिस आउट एज होमवर्क, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे इसको, क्योंकि समबडी वाज सेइंग मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन वाला प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम ये है कि एक वायर है, सॉलिड वायर इनफाइनिटली लॉन्ग, जिसका रेडियस ए है, एंड इट इज कैरिंग अ करंट आई इन इट्स बॉडी. करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी. इसके सरफेस से इसके परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने वी नॉट वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, जिसका चार्ज है क्यू या ई, और
चार्ज है क्यू, पार्टिकल है, चार्ज है क्यू, मास है एम, ग्रेविटी वेविटी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, नो ग्रेविटी. तो अब वो एक पाथ में जाएगा, फर्देस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा इससे और फिर वापस आने लगेगा. बेसिकली अगर तुम टॉप व्यू देखोगे इसका सिचुएशन का तो ऐसा दिखता है. ये तुम्हारा वायर है विद क्रॉस सेक्शन ए, इसमें करंट आ रही है हमारी तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ब्रिंगिंग आई करंट अप, एंड फ्रॉम इट्स सरफेस दिस गाय इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस रेडियली आउटवर्ड्स. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द फर्देस्ट डिस्टेंस रीच्ड बाय द चार्ज, डिस्टेंस बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस. एक्सिस तुम्हारा सेंट्रल एक्सिस जो है वहां से, मतलब जो भी इसकी ट्रेजेक्ट्री है उसमें ये कितना दूर चला जाएगा सेंट्रल एक्सिस से. ऑलराइट, ठीक है, दैट्स होमवर्क फॉर यू. दिस इज द मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. आज के लिए इतना ही करते हैं. ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय.